जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों एक कॉमेडियन ने एक बड़ी ही घटिया बात कही जिससे प्रत्येक हिंदू धर्म का व्यक्ति आहत तो हुआ ही, परंतु इसके साथ साथ लोगों को एक बात भी मिल गई, एक मुद्दा भी मिल गया जिससे हमारा मजाक उड़ाया जा सके। वो है हिंदू धर्म में खुजराहो के मंदिर में वो शिल्पकारी जहाँ पर कुछ चित्र हैं जो कुछ घटिया मानसिकता के लोगों को कामुक लग रहे हैं, जैसे कि इस कॉमेडियन का ही क्लिप देख लो। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लिप तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो हमारे इस चैनल पर दिखाना सही नहीं होगा, लेकिन अब ये एक मुद्दा बन चुका है। मुझे भी किसी ने एक मेल करके ऐसा ही कहा और एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा। असल में मैंने एक वीडियो में बताया था, श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में काम को नर्क का द्वार कहा है। तो अब हो सकता है कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाएं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में काम को नर्क का द्वार कहा है, तो हिंदू धर्म के मंदिरों में ही ऐसी शिल्पकारी क्यों कर रखी है। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और महात्मा गांधी जी भी इन मंदिरों से ऐसी आकृतियां हटाना चाहते थे, वो इनको खत्म कर देना चाहते थे। ये तो है आधी अधूरी बात। मैं आपको इन मूर्तियों के यहाँ स्थापित होने का राज बताऊंगा और ये जानना हम सबके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि मुझे ये जानकारी किसी भी वीडियो में अभी तक नहीं मिली है। दोस्तों कल को दोबारा ये प्रश्न कोई हम सबके सामने ना रखे तो इसकी जानकारी हम सबको होना बहुत आवश्यक है, परंतु इससे पहले इस कॉमेडियन के बारे में भी कुछ जानकारी देना आवश्यक है क्योंकि इसने केवल इन मंदिरों पे ही प्रश्न नहीं उठाया बल्कि इस्कॉन जैसी संस्था जो कि श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार पूरे विश्व में करती है, जिनके कृष्णा के मंदिर पूरी दुनिया में है, इवन पाकिस्तान में भी, ऐसी संस्था का भी मजाक करा है और कहा है बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं पर अंदर से सब। इसके बाद मैडम ने गंदी गाली दी और इस्कॉन को पॉर्न के साथ जोड़ दिया। अब तुकबंदी तो हो गई मैडम की, परंतु अच्छी बात ये हुई इस्कॉन ने जब इनकी कंप्लेंट की तो ये वीडियो डिलीट कर दी गई। शिमारो जिस कंपनी ने ये वीडियो अपलोड किया उसने क्षमा मांगी और इस्कॉन की प्रशंसा भी की और इस औरत के साथ अपने सारे संबंध तोड़कर इन्हें कंपनी से ही निकाल दिया। परंतु हमारे यहाँ कुछ लोगों की मानसिकता है, जब कचरा फैल रहा हो तो वो लोग उसमें पहले तो अपना मुंह मारेंगे और फिर इस फैले कचरे में जो बच जाएगा उसको और भी ज्यादा फैलाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो से इस मैडम की थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ा देते हैं ताकि कल फिर ऐसी उंगली उठाकर कोई सनातन धर्म को बदनाम ना करे, क्योंकि जो कचरा इन्होंने फैलाया है उसके कारण तो पाकिस्तानियों ने भी मजाक बनाया। ये क्लिप देखिए। टेम्पल चली गई, वहाँ जाके इसने भूतों को देखना शुरू किया। आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट कर देना यार, हम पाकिस्तानियों को भी पता चल जाए अपने धर्म को टारगेट कर रही है। दोस्तों मैं नहीं जानता ये कॉमेडियन जिनका नाम सुरलीन कौर है खुद किस धर्म से हैं। मैं तो जो इन्होंने कहा उसे अधर्म ही कहूँगा, परंतु मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि एक सिख भाई ने भी इनके अगेंस्ट बात की है और बताया है कि सिख धर्म में किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना नहीं सिखाया जाता। इस क्लिप को ध्यान से सुनिए। आप किसी के धर्म के बारे में आप कैसे गलत बोल सकते हो? तू हिंदू धर्म के बारे में बोल रही है कि भाई ठीक है, ऋषि मुनि जो हिंदुओं के हैं उनके माइंड में शायद कोई वो कामा सूत्र चल रहा है, शर्म कर ले सुरलीन को। पर बात इतनी ही नहीं, इस औरत के पक्ष में भी इक्का दुक्का लोग आए हैं। देखिए ये क्लिप। इसे तुमको भी बहुत मजा आया था सुनने में इसका जोक, पर उसको तुम ये बोल रहे हो कि वो उसने पब्लिसिटी के लिए इस्कॉन के लिए गंदा बोला, उसने अर्न किया है, गट्स लिए उसने सोसाइटी के सामने ये बोल के। तुम्हारे दोस्तों एक वीडियो जिसने सनातन धर्म को बदनाम किया कुछ भी फिजूल बोलकर, उसको सुनने में भला किसको मजा आएगा। और जो इन्होंने अर्न किया वो तो है, FIR हो गई है और शिमारो कंपनी ने बाहर भी निकाल दिया। दोस्तों शायद इसी को कहते हैं कर्मों का सिद्धांत। पर जो कचरा फैल चुका है और जो प्रश्न अब शायद हर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले से पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं। दोस्तों मैंने बचपन में पढ़ा था जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हो 3 उंगलियां आप पर भी उठती हैं।
और यही हुआ है इन मैडम के साथ। खुजराहो के मंदिर की शिल्पकारी को देखकर किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसे विचार नहीं आते जैसे इन मैडम के मन में पैदा हो गए। कल को कोई और जोकर उठकर सनातन धर्म पर यह सवाल उठाए, पहले ही बता देता हूँ, खुजराहो के अलावा पुरी और कोणार्क में भी ऐसे मंदिर हैं जिन पर ऐसी शिल्पकारी हुई है, और ये सभी के सभी प्राचीन मंदिर हैं और इसके पीछे कुछ गहरे राज छिपे हैं। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये सभी शिल्पकारी मंदिरों के अंदर नहीं हुई है, बल्कि ये मंदिरों की चार दीवारी यानी आउटर वॉल पर हुई है, और हम हिंदू लोग जो बाहर शिल्पकारी हुई है उसकी पूजा नहीं करते हैं। हम पूजा करते हैं मंदिर के अंदर देवी देवता हैं उनकी, और ये देवी देवता ही मंदिर की आत्मा के समान हैं। तो अब प्रश्न होगा, बाहर भी ऐसी तस्वीरें क्यों? आप ऐसा समझिए, हमारा मानव शरीर मंदिर के समान है और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ही परमात्मा का अंश है। मंदिर की बाहरी दीवारों की शिल्पकारी दर्शाती है अगर हमको अपनी आत्मा तक पहुंचना है तो हमको इन सभी चीजों को बाहर छोड़कर आना होगा। ऐसे विचार बाहर रखकर ही हम अंदर बैठे परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई कल ऐसे सवाल पूछे तो जवाब जरूर दे देना कि ये सब मंदिर के बाहर है, अंदर नहीं, और इसको बाहर छोड़कर ही आप मंदिर के अंदर देवता तक प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको अपने अंदर के परमात्मा तक पहुंचना है तो आपको ऐसी चीजें बाहर छोड़कर आनी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए ताकि कल को ये मजाक का विषय ना बने। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हरे कृष्णा।